अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एज इंजीनियरिंग। आबाज जो आपकी जो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है दोस्तों, ये एमसीबी ब्रेकर बॉक्स है, ठीक है, आप इसको डीपी बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके कुछ कनेक्शन है, मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। ये हमने इसकी वायरिंग की है, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल वायर है और ये फेस है, ठीक है। तो हमने करना ये है सिंपल कि हमने ये वाली न्यूट्रल वायर इधर प्रोवाइड करनी है और फेस वायर हमने किसी एक जो है ब्रेकर में प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा दूसरा कनेक्शन आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू है और ये ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक हमने इधर प्रोवाइड करनी है और हमने जो ब्लू वाली वायर है हमने इधर प्रोवाइड कर देनी है किसी एक ब्रेकर के साथ, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग वायर होती है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग वायर हमारी इधर लगती है, ये आप देख सकते हैं, इधर ई लिखा हुआ होता है, ये ई का निशान है, तो आपकी ग्राउंडिंग वायर इधर लगेगी, ठीक है। ये हमारी मेन ग्राउंडिंग वायर है और इसके बाद ये हमारी ये तीसरी वायर भी हमारी एक ब्लू है और एक ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक हमारी जो है सारी ब्लैक इकट्ठी होके, हमारी तीनों ब्लैक जो है वो इकट्ठी होके इस एक जो है पूरे इसमें लग जाएगी, ठीक है। स्क्रू हम खोल के इसके अंदर लगा देंगे, टाइट कर देंगे और हमारे जो फेस हैं वो अलग-अलग से एक इसमें लगेगा, दूसरा तीसरा इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ कनेक्शन होंगे। तो चलो मैं आपको इसको मीटर से मेजरमेंट करने का तरीकाकार बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मीटर की एक प्रोब जो है ये न्यूट्रल पे सेट की है और मैंने मीटर को 400 वोल्ट पे जो है वो सेट किया हुआ है, ठीक है, 400 वोल्ट एसी पे। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं एक प्रोब इधर लगा रहा हूँ रेड के साथ, अभी आप मीटर को चेक कर सकते हैं, हमारे मीटर पे रीडिंग है 225 शो हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं येलो के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, इसके कुछ स्कूल होता है येलो, तो येलो के साथ लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं 225 वही वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ब्लू के साथ इसको लगाया, ये आप देख सकते हैं, आप मीटर पर चेक कर सकते हैं, सेम वही वोल्टेज है। तो ये कुछ असूल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये असूल है कि आपने ये जो रेड वाली वायर है, ये रेड वाली वायर आपने अपने सीधा आपने तब्लून लगाना है पैनल बॉक्स, और आपने अपने बाएं हाथ के पहली साइड के ऊपर एक वायर अपनी रेड वाली लगानी है, ठीक है, और उससे आगे आपने येलो वाली लगानी है और आखिर में आपने ब्लू वाली। ये असूल होता है, आपने इनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि कभी भी आप इसके ऊपर जो है कोई थ्री फेज मोटर अटैच करेंगे तो आपकी मोटर उल्टी घूमना शुरू कर देगी, इसलिए आपने इस असूल को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपने ये वायरें लगानी है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन दोनों में हम लगाएँगे मीटर तो ये हमारे पास जो है ये 380 या 90 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ब्लू और येलो के साथ लगाया, फिर भी हमारे पास 380 या 90 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ कनेक्शन होते हैं। तो हमने ये जो है पैनल बॉक्स फिट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पूरे कनेक्शन करके और पूरी जो है इसके साथ जो कुछ हमने लगाना है, लैंप या कुछ भी हमने लगाना है, तो हम इसके साथ अटैच करके दिखाएंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं, इधर से हमने अगर ये वायर से न्यूट्रल लगाएंगे तो किसी एक ब्रेकर में अगर आप ये चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मीटर पे, आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है 220 आ रही है, ठीक है। किसी भी ब्रेकर पे आप लगाएंगे तो मीटर पे आपकी रीडिंग जो है वही सेम रीडिंग आएगी, आप देख सकते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि ये जो आपका ये रेड वाला वायर है, ठीक है, तो रेड वाले वायर पर तकरीबन जो है ये आपके कितने ब्रेकर हैं, आप देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 18 ब्रेकर हैं आपके, तो उन्होंने तकसीम किया होता है, ठीक है, यानी 3, 6, 6 एक पे हैं और 6 दूसरे पे हैं और 6 तीसरे पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो तकसीम किए होते हैं तीनों, तो इस तरीके से फंक्शन करता है, क्योंकि लोड तकसीम हो जाता है। अगर सारे रेड पे लगाएंगे तो ये जो है रेड पे लोड पड़ेगा और हमारे पीछे जो है वायर जल जाएगा, कुछ तरीके से और नुकसान हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर मेरे हाल में 35 मिली की वायर लगी हुई है, ठीक है, 35 मिली की वायर है, ये रेड ब्लू येलो ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ कनेक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके जो है पूरा इसके जो है कनेक्शन करके इसके साथ एडजस्ट करके दिखाऊंगा, तो क्या क्या लोड हमने इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी और मालूमती वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।